نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی اس کے لئے تسبیح کر رہے ہیں کون تسبیح کر رہے ہیں کون کون تسبیح کر رہے ہیں اس کے لئے من جو کوئی بھی ہے في السماوات آسمانوں میں کون کون ہے آسمانوں میں भाई हमें तो सिर्फ फरिश्तों का ही पता है, हमें तो और कोई मखलूक का पता ही नहीं, मगर अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, क्या क्या है। और फिर सिर्फ हम यहाँ पे जानदार मखलूक की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो दूसरे भी हैं जिनको हम समझते हैं कि ये बेजान है, जैसे सूरज है, चांद है, सितारे हैं और प्लैनेट्स हैं, जितना कुछ भी है वो भी सब इसमें आ गया। और कितनी ही सारी अभी चीजें हैं जो इंसान को पता ही नहीं है क्या क्या है। अब उन प्लैनेट्स के ऊपर या उन सितारों सैयारों पे कोई और मखलूक अगर बसती है हम नहीं जानते, और कहां तक इसकी वसत है हम नहीं जानते, मगर जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने फरमा दिया, सब तस्बीह कर रहे हैं उसकी। वल अर्ध, और जमीन में भी जो भी है, मन फिल अर्ध, आसमान के लिए भी मन सी है और जमीन के लिए भी मन सी, जो भी जमीन में है और कौन तस्बीह करता है। वह तैरु सौफात, और परिंदे भी सब बांधे हुए। सुभान अल्लाह, ये आयत इतनी खूबसूरत आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये बता दिया, आंखें खोल के देखो तो सही, अब आंखें खोल के देखने से ये तो नहीं नजर आता, मगर यानी गौर फिक्र करो, जानो इस बात को अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं। देखो, इन निशानियों से भी तुम अपने रब को पहचान सकते हो, यानी बताया जा रहा है कि ये सारी कायनात तस्बीह कर रही है अल्लाह की। और तस्बीह सबाहा से बना, सीन बाहा ये, और इसका माना होता है तेजी से घूमना, तेजी से घूमना, तैरना। जैसे तो तस्बीह भी कर रहा होता तो इंसान ऐसे ही कर रहा होता ना, और फिर तेजी से हरकत करने का भी माना आता है इसके अंदर। तो दो माने इसके अंदर आ गए। अब इस क्या पता चलता है कि ये जो यहाँ पे बात की जा रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि एक तो सब के सब तेजी से काम कर रहे हैं, सब के सब यानी तैर रहे हैं या हरकत में हैं अल्लाह के लिए, उसके हुक्म पे। एक एक पहला ये माना, पहले देख लेते हैं, यानी भाग भाग के काम कर रहे हैं, भाग भाग के चल रहे हैं, सूरज भाग रहा है, जमीन भाग रही है, सितारे भाग रहे हैं, फरिश्ते भागम भाग लगे में काम कर रहे हैं, हर एक काम में लगा हुआ है। और किसके हुक्म पे कर रहे हैं, ये अल्लाह के, तो अल्लाह की तस्बीह हो गई। अगर आप आज तो साइंस ने भी ये बता दिया कि ये सारी चीजें जो अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर घूम रही हैं और क्या क्या ये सब हरकत हो रही है, पहले वक्त में तो ये भी नहीं पता था कि क्या ये तस्बीह क्या है, सिर्फ क्या जुबान से बोल रहे हैं या फिर ये कुछ और भी इसका मान है। तो अब हमें पता चलता है कि नहीं, हर चीज घूम रही है, हर चीज तैर रही है। अगर गौर करें, ये सितारे कैसे लगते हैं ना, रात को टिमटिमाते हुए ऐसे महसूस होते हैं जैसे कोई होंठ खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये भी तस्बीह कर रहे हैं, ये भी दीवाना वार दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे हज उमरा करने वाले जब अल्लाह के घर पहुंचते हैं तो देखा कैसे उसके घर के चक्कर काटते हैं, कभी भाग भाग के सफा पे जाते हैं, कभी मरवा पे जाते हैं, हाँ मुसलसल ये भी भाग दौड़ उनकी हो रही है, ये भी उनकी तस्बीह हो रही है। तो हर कोई भाग रहा है, वो चाहे या ना चाहे वो भाग रहा है अल्लाह की कायनात में। और देखिए आज भागते भागते हमारी भी उम्र कितनी हो गई, कितने साल के हो गए आप, तो ये जिंदगी भी, ये इतने साल भी गुजरते जा रहे ना, जो गुजरते जा रहे भाग रहे, और ये अल्लाह की तरफ जाने का सफर है जिसमें दौड़े चले जा रहे हम, और हर कोई अल्लाह की तरफ मुलाकात करने के लिए बढ़ रहा है। तो कुरान में है ना, नजमु व शजरु यस्जुदान, सजदा रेज है, हर चीज ने सरेंडर किया है। आप ये देखें,
अब वो कहते हैं कि हर एक चीज एटम से बनी है। एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये घूम रहे हैं। हाँ, अब देखो हर चीज के अंदर इसका मतलब हरकत है, हर चीज बिछी हुई है और जैसे रब चाहता है वैसे कर रही है। आसमान को रब ने ऊपर खड़ा किया ना, वो ऊपर खड़ा है, उसी में खुश है। वो जमीन को नीचे बिछा दिया, पैरों के नीचे रोंदी जा रही है रोज, वो खुश इसी में खुश है, वो सर झुकाए हुए है। तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया, देखो कैसे हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है, फिर क्या तुम नहीं करोगे? क्या तुम नहीं बिछ जाओगे? इंसान सोचता है उसके हुक्मों के आगे झुक गया बिछ गया तो पता नहीं मैं अकेला हो जाऊंगा, लोग मुझे छोड़ देंगे, फिर वो क्या कहेंगे। नहीं, तुम्हारे साथ तो सारी कायनात है, देखो सारी कायनात ही तो बिछी हुई है। अकेले तो तुम तब होगे जब उसके हुक्मों से उलट चलोगे, क्योंकि सारी कायनात एक तरफ चल रही, सारी कायनात किस में चल रही, ओबीडियंस में। तुम उलट चलने लगते हो तो कायनात के साथ तो कोऑर्डिनेशन नहीं हुई तुम्हारी, ठीक है। तो एक माना क्या है, इस तरह से कि हर एक चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रही है, ये है उसकी तस्बीह, ये है वो अपने जुबाने हाल से तस्बीह कर रही है, यानी उसका हाल बता रहा है कि वो तस्बीह कर रही है। नंबर टू तस्बीह क्या है, जुबाने काल से, काल खाला कहते हैं ना, कहा उसने जुबाने काल से, यानी बोल के तस्बीह कर रही है, हर चीज बोल के तस्बीह कर रही है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब तस्बीह की थी, तस्बीह किया करते थे, अपनी जबूर को पढ़ा करते थे, तो उनके साथ क्या क्या चीजें तस्बीह करती थी, पहाड़ भी, परिंदे भी हवा में खड़े हो जाते थे तस्बीह करते थे। देखो तुम दाएं देखो तस्बीह है, बाएं देखो तस्बीह है, ऊपर देखो तस्बीह, नीचे देखो तस्बीह, आगे पीछे तस्बीह हाथ हो रही है, तुम तो तस्बीह हाथ में घिरे हुए हो इंसान, क्या फिर तुम नहीं तस्बीह करोगे? देखो सब लगे हुए, सब मसरूफ अमल है। हालांकि आप गौर करें, सब चीजों के मिजाज मुख्तलिफ, शक्लें मुख्तलिफ, रंग मुख्तलिफ, लेकिन सब एक ही मकसद पे चल रहे हैं, और वो क्या है, अल्लाह की इताअत, उसकी तस्बीह, उसने हुक्म दे दिया तस्बीह का, बस कर रहे हैं। और ऐसी बेमिसाल तस्बीह है, मजाल है कि कोई किसी वक्त इससे यानी दूर हो, या इससे नाफरमानी करे, या इसको छोड़ दे, कि एक दूसरे से ना टकराते हैं, ना एक दूसरे की बाउंड्रीज के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, ना सूरज चांद को जाके पकड़ लेता है, ना चांद सूरज से आगे निकलने की कोशिश करता है। कितनी प्यारी इन्होंने तस्बीह करी, इताअत की हुई। इंसान को अल्लाह ताला क्या समझा रहे हैं, देखो सब झुक गए, सब, तुम फिर क्यों सर उठा रहे? और ये तस्बीहात हमें कुरान से भी इसकी दलील मिलती है और हदीस से भी मिलती है। हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, और इन मिन हलमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थरों से मेमे से भी कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, पत्थरों में से भी फट पड़ते हैं, उनसे नहरें निकल पड़ती हैं, उनसे चश्मे जारी हो जाते हैं। तो क्या इनके अंदर इसका मतलब कोई शऊर है तो फिर करते हैं ना। तो फिर अल्लाह ताला सूरह इसरा में फरमाते हैं, इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिह बिहम्दी, हर चीज अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करती है, हर चीज। और फिर सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तर अन अल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी व शम्सु वल कमर, क्या तुमने नहीं देखा सजदे में हर कोई जो आसमानों में और जो जमीन में और सूरज और चांद अलग से भी बताए गए, ना सिर्फ तस्बीह करते हैं, सजदा रेज है, झुके हुए उसके सामने। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं मक्का के एक पत्थर को पहचानता हूँ जो नबूवत के ऐलान से पहले मुझको सलाम करता था, और मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। ये मुस्लिम और तिर्मिजी की रिवायत है, फिर बुखारी और मुस्लिम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ओहद पहाड़ जाहिर हुआ तो आपने फरमाया, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता और हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत एक जज्बा है जो कि हम सोचते हैं जिंदा चीजों के अंदर होता है, डेड जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम नॉन लिविंग कहते हैं, तो उनके अंदर तो हम कोई हिस्स नहीं समझते ना, हमें तो नहीं लगता कि ये कुछ महसूस करते हैं या ये कुछ है या कुछ हमें देख रहे हैं ये भी, या कोई नहीं, इनके अंदर भी हमारी कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, या ये भी उस दिन कोई गवाहियां देंगे। अल्लाह ताला ने तो फरमाया सूरह ज़िलज़ाल में कि जमीन भी गवाही देगी और खबरें सुनाएगी उस दिन,
इसका मतलब है कि कोई इनके अंदर कोई हिस है, डोंट थिंक कि ये बिल्कुल डेड है, इनके अंदर कोई कुछ इनको पता आता ही नहीं है, और हम जो मर्जी करते रहे, ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे आगे, उस दिन गवाहियां देंगे। ये जानवरों को हम समझते हैं ये भी ऐसे ही पागल से, इनको क्या पता, अकल तो सारी हमारे अंदर। तो देखें एक दिन ये रिवायत है बुखारी की और मुस्लिम की है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा फरमाते कि हमें सुबह की नमाज पढ़ाई, फिर लोगों की तरफ मुंह करके फरमाया एक आदमी एक गाय लेके जा रहा था, जब वो थक गया तो वो गाय पे सवार हो गया और उसको मारा। गाय ने कहा मैं इसलिए पैदा नहीं की गई, मैं सिर्फ जमीन में हल चलाने के लिए पैदा की गई हूँ। तो लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, क्या गाय बातें करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और अबू बकर और उमर इस पर ईमान लाते। उस वक्त अल्लाह के अबू बकर सिद्दीक और उमर वहां पे मौजूद भी नहीं थे रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन आपने ये फरमाया, क्योंकि अगर वो होते भी तो इस पे ईमान लेकर आते। तो यानी इसका मतलब है कि ये इन चीजों में एक शऊर जरूर मौजूद है। और एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीरा पे चढ़े थे तो उसकी एक चिटान हिलने लगी, तो आपने फरमाया पुरसकून हो जा, तो तुझ पे नबी है या सिद्दीक या शहीद है। अबू बकर उमर और उस्मान अली तलहा जुबैर हीरा पहाड़ पे थे और उसकी चिटान हिल रही थी, ये सही मुस्लिम में। इसी तरह हजरत अली फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के अतराफ में जा रहे थे, मक्का के पहाड़ों और दरख्तों के दरमियान, आप किसी दरख्त और पहाड़ से नहीं गुजरते थे मगर वो कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तिर्मिज़ी में दारमी में ये रिवायत है। फिर इसी तरह आपको वो मशहूर रिवायत का पता होगा, बुखारी में भी उसका जिक्र है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर बनाया गया था, जब नया मिंबर बनाया गया तो जो पुराना मिंबर था वो खजूर के तने का था, एक सतून की तरह था, खजूर के तने का। तो तना, तो तना क्या होता है, जो उसका ट्रंक होता है उसका दरख्त का, तो अब वो तो एक तरह से डेड ही हुआ ना। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुजर के नए मिंबर पे चले गए तो वो सतून परेशान हो गया और वो रोने लगा, और इस तरह रो रहा था जैसे ऊंटनी रोती है, इस तरह रो रहा था बिलक बिलक के जिस तरह होते हैं, और पूरी मस्जिद में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, सहाबा ने बाकायदा उसकी आवाज सुनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर के आए, उसको गले लगाया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे बच्चे हाँ हाँ करके करके फिर आहिस्ता आहिस्ता चुप होते हैं ना, उनकी सिसकियां फिर भी निकलती रहती हैं, जब बहुत ज्यादा एकदम रोते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा उनको टाइम लगता है ना चुप होने में। इसको इतना दुख था कि मेरे पास नहीं आप खड़े होंगे, तो एक पत्थरों में, दरख्तों में, हैवानों में, जिनमें आप सोचते हैं इनमें तो बोलने की ताकत नहीं, इनमें कुछ नहीं, देखे यहाँ इन अहादीस से सबूत मिलता है, ये ना सिर्फ बोल सकते, सलाम अर्ज करते थे, तो फिर क्या अल्लाह की तस्बीह नहीं पढ़ते होंगे, इसका मतलब उनको पता था ये अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह। और इवन ये नहीं, बुखारी के अंदर ये भी है, अब्दुल्ला बिन मसूद बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक सफर में थे कि पानी कम हो गया, तो आपने फरमाया जितना भी पानी है वो ले आओ, हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले, आपने उस बर्तन में अपना हाथ रखा, फरमाया अल्लाह की बरकत, अल्लाह की बरकत मुबारक और पाक करने वाले पानी की तरफ आओ। और बेशक कहते हैं मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हो रहा था, और जिस वक्त खाना खाया जाता था तो हम खाने की तस्बीह सुनते थे। यानी आप ये अंदाजा करें खाने की तस्बीह, और खाने की तस्बीह के बारे में कई रिवायात आती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनवाई वो खाने की तस्बीह, इसे नहीं अंदाजा होता कि ये सब चीजें। इसी तरह पत्थरों की तस्बीह, इसकी भी रिवायत आती है कि पत्थर भी तस्बीह करते हैं। अब जो मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह के खौफ से वो फट पड़ते हैं, जाहिर है उनके अंदर एक शऊर तो है ना, तो ये माननी बात कैसे इतनी मुश्किल है कि हम ये कहें कि नहीं वो तस्बीह का नहीं हमें समझ आती, कैसे हो सकता है कि वो तस्बीह करें, नहीं करते हैं। अल्लाह तआला ने जब बता दिया, जुबान हाल से भी करते हैं, काल से भी करते हैं, दोनों तरह से करते हैं। और बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम खाना खा रहे थे और तआम की तस्बीह सुनते थे, यानी खाने की तस्बीह हम सुना करते थे। और फिर हज़रत अबू ज़र से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कंकरियों ने तस्बीह पड़ी थी,
हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में ली भी थी और सहाबा कराम को सुनवाई वो तस्बीह बाकायदा। और सहाबा फरमाते हैं ऐसी आवाज आ रही थी जैसे मक्खियों की बिन बिनाहट की आवाज होती है ना, इस तरह से आवाज आ रही थी। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी और सवारियों पर सवारों को देख के फरमाया सलामती के साथ सवारियों पर सवार हो और इनको सलामती के साथ छोड़ो और रास्तों और बाजारों में अपनी सवारियों को बातें करने की कुर्सियां ना बनाओ। यानी ऐसी बातें करने के लिए तो जैसे हम चेयर पे बैठ जाते हैं, सोफे पे बैठ जाते हैं तो उनके ऊपर बैठ के तो बातें करते रहे। सुनो, बहुत सी सवारियां अपने सवारों से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करती हैं और उनसे ज्यादा अफजल होती हैं, क्योंकि जो बैठने वाला है उसको तो अल्लाह का जिक्र याद भी नहीं होता और सवारी जिक्र कर रही होती। हम अपनी गाड़ियों में बैठते हुए कभी सोचते हैं कि ये हमारी गाड़ी चाहे लोहे की बनी हुई है, हर चीज जब तस्बीह कर रही है ये भी तस्बीह करती है और मैं इसमें बैठी हूँ और मुझे नहीं ये याद है कि मैंने अल्लाह का जिक्र करके बैठना। जब फरमा दिया गया कि वह इन मिन शयइन ला युसब्बिहु बिहम्दी, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो हम्द के साथ ना तस्बीह करती है, कोई है ही नहीं। तो चाहे गाड़ियां हो, चाहे हमारी और कोई चीजें हो, सब तस्बीह करती हैं। एक रिवायत में आता है अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक चूंटी ने किसी नबी को काट लिया तो उन्होंने चूंटियों की पूरी बस्ती को जलाने का हुक्म दे दिया। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही भेजी कि आपको तो सिर्फ एक चूंटी ने काटा था और आपने अल्लाह की तस्बीह करने वाली पूरी मखलूक को हलाक कर दिया। सुभान अल्लाह, यानी वो अपने दिलों में भी तस्बीहां करती हैं। अल्लाहु अकबर। तो इन सारी अहादीस से हमें पता चलता है कि सारी मखलूक देखो कैसे तस्बीह में लगी हुई है, कैसे अल्लाह की हम्द बयान करती है और हत्ता के जो परिंदे हैं वो भी सफ बांधे हुए अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। और परिंदों को अलग से क्यों जिक्र किया गया जबकि आसमान और जमीन की सारी मखलूक का जिक्र कर दिया गया था, तो फिर क्यों इनका जिक्र अलग से आया? शेर और बिल्ली और किसी और चीज का तो जिक्र अलग से नहीं आया, परिंदों का क्यों आया? इसलिए कि ऊपर वाले ऊपर तस्बीह कर रहे हैं, नीचे वाले नीचे तस्बीह कर रहे हैं और एक वो है जो बिल्कुल दरमियान में तस्बीह कर रहे हैं, फिजाओं में तस्बीह कर रहे हैं, उड़े चले जा रहे हैं और तस्बीह कर रहे हैं। वो हवाओं के जोर पे जब ऐसे ही उड़ के जा रहे होते ना, आज जब हमने बर्ड देखने तो हमने ये सोचना ठीक है कि ये उड़ रहा है और ये तस्बीह कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने अपने कुरान में फरमा दिया तो तस्बीह नहीं भूल रहा। हम तो एक काम करने लगते हैं तो हमें तस्बीह नहीं याद रहती कि हमने तस्बीह करनी है। खाना पका रहे हैं तो तस्बीह नहीं याद, बर्तन धो रहे हैं तस्बीह नहीं याद, ड्राइविंग कर रहे हैं तस्बीह नहीं याद, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं तो याद ही नहीं रहा। वो उड़ भी रहा है और साथ तस्बीह भी कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो साफ बात खास तौर पे फरमाया सफे बांध बांध के तस्बीह करते हैं। सुभान अल्लाह, देखो कि आसमानों पे भी उनकी सफे होती हैं। आपने देखा है कभी एक साथ कैसे उड़ रहे होते हैं? राइट को जाते हैं तो सारे ही राइट को चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो चार एक तरफ जा रहे हैं तो पांच दूसरी तरफ चले जाए। ग्रुप्स में उड़ते हैं जब तब भी तस्बीह करते हैं, सुभान अल्लाह। और फिर देखिए उनकी सफें कितनी प्यारी हैं। हमें तो वो बेचारे लाइनें लगा लगा के भी मस्जिदों के अंदर जाए नमाज बिछा के और इस तरह निशान भी लगे होते हैं तब भी नहीं, हमें आज तक इतनी उम्रें होंगी सफ नहीं बनानी आई, कोई किधर खड़ा हुआ है कोई किधर खड़ा हुआ है, इतने इतने गैप है अंदर, कोई आगे है तो कोई पीछे है, कह कह के भी थक गए लेकिन सफ नहीं दुरुस्त करनी आई। लेकिन इनको देखें सुभान अल्लाह के आसमान में कौन सी ऐसी सफें बिछी हुई हैं, कौन सी ऐसी रोड्स के निशान हैं, कौन से ऐसे रास्ते बने हुए हैं, ट्रैक बने हुए हैं कोई कि बिल्कुल बैलेंस्ड कैसे सफ के अंदर उड़ रहे होते हैं। कभी गौर करिएगा जब ये उड़ते हैं तो इनको भी किसने बताया, किसने ये सिखाया, इनके इनको कौन ये तस्बीह बता के भेजा किसने? अल्लाह ही है। और वो अपने रब को पहचानते हैं। अल्लाहु अकबर। अब कि जब भी हम कहीं सैर के लिए बाहर जाएं तो जरूर सोचिएगा कि ये हर चीज तस्वीर करी, दरख्तों को देखें, सड़क को देखें, पत्थरों को देखें, मिट्टी को देखें, इसके जर्रों को देखें, सोचें कि ये सारी कायनात तस्वीर कर रही है। अगर ये सब तस्वीर कर रहे हैं तो मेरी आवाज क्यों नहीं है इनकी तस्वीर में शामिल? हाँ,
और आपने कभी सुनी है सुबह सवेरे जो ये परिंदों की आवाज होती है तस्बीह की? असल में हम इतनी आर्टिफिशियल लाइफ में आबादी हो गए, कमरे बंद, घर बंद, कोई आवाज ना बाहर की अंदर आती है, कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आप नेचर में निकले तो जो सुबह की परिंदों की आवाज होती है वो इतनी खूबसूरत होती है, इंसान को इतना अट्रैक्ट करती है। ये तस्बीह हो रही है अल्लाह की, है ना? तो ये बात जब कुरान से पता चलती है तो कितना और भी लुत्फ आता है। और फिर जो सब बंदी है ये बता रही है कि यानी वो कितने जुड़ के रहने वाले, अलग अलग नहीं है उनके काम, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, जिसकी जो मर्जी है। देखो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है अल्लाह ताला, इनके जरिए हमें सबको ऑर्गेनाइजेशन सिखा रहा है। तुम्हें भी ऑर्गेनाइज होना है अपनी इबादत में, तो तुम्हें बताया ही कि तुमने ऑर्गेनाइज होके सफे बांधनी है। तुम अल्लाह ताला को सफ में नमाज पढ़ना, जमात की नमाज पढ़ना ज्यादा पसंदीदा है मर्दों के लिए, तो सफ बंदी को तुम भी सीखो इनसे। और सिर्फ नमाज में नहीं बल्कि अपने हर काम में ऑर्गेनाइज हो जाओ। अल्लाह हू अकबर। अबू साबित से रिवायत है कि अबू जाफर के पास बैठे थे तो उन्होंने कहा, तुम जानते हो ये चिड़ियां क्या कहती हैं जब सूरज निकलता है और उसके निकलने के बाद? मैंने कहा, मैं तो नहीं जानता। उन्होंने कहा, वो अपने रब की तस्बीह करती हैं और सवाल करती हैं आज के दिन की रोजी का, अल्लाह से रोजी मांगती हैं। सुभान अल्लाह। सभी तस्बीह कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल्लुन कद अलिमा सलातहू व तस्बीहहू। सुभान अल्लाह। सबको पता है अपनी नमाज का भी तरीका, कैसे उन्होंने नमाज अदा करनी, यानी अपनी इबादत का तरीका भी और अपनी तस्बीह भी। और फिर यहाँ पे तस्बीह से मुराद हम दोनों ही चीजें ले लेंगे कि यानी अपनी जुबान से जैसे उन्होंने जिक्र करना है ना, वो भी हमको पता है कि कैसे हमने करना है। और जैसे उन्होंने काम करना है कि सूरज को सिखा दिया गया कि तुमने इस तरह से निकलना है, इस तरह से गुरूब होना है, इधर अपने मदार में जाना है, ये तुम्हारा ट्रैक है, तुमने इसी के अंदर रहना है, इतनी तुम्हारी स्पीड होगी, इतनी तुम्हारा ये काम होगा, ये सब चीज उसको बता दी गई है। वो तेजी से उसी इस तरह हरकत कर रहा है, यही उसकी तस्बीह है ना, कि जिस काम में अल्लाह ने लगा दिया वो उसमें लगा हुआ, बस, नो ऑब्जेक्शन, नहीं ना कोई चूच रहा है। तो ये हर एक को पता है, हर एक को सिखा दिया गया। तो हमें अब ये पता चलता है कि ये अल्लाह ताला ने इनको सिखाई है और सबको पता है, सब जानते हैं हमने कैसे कैसे तस्बीह करनी है। तो ये तस्बीह का मतलब एक तरह से पता है क्या है, कि ये सब कह रहे हैं कि अल्लाह तेरी बात में कोई नक्स नहीं, क्योंकि तस्बीह क्या होती है, सीन बाहा से ना, यानी अल्लाह की पाकी बयान करना कि उसको हर नुक्स, हर ऐब, हर कमी, हर कमजोरी से पाक बयान करना। जब हम सुबहान अल्लाह कहते हैं ये एक तस्बीह है। ये तस्बीह क्या है कि यानी हम अल्लाह ताला को हर एक कमी, हर एक फ्लॉ से, हर एक वीकनेस से पाक बोलते हैं, जो चीज भी उसकी शान के खिलाफ है उससे पाक कहते हैं हम। तो ये सब कह रहे हैं कि अल्लाह तू पाक है, अल्लाह जो चीज तेरी शान के लायक नहीं है अल्लाह तू उससे पाक है। दूसरे अल्फाज में जब तस्बीह की जाती है तो तस्बीह करने वाला कह रहा होता है अल्लाह तेरा, इसका मतलब हर फैसला बिल्कुल ठीक है, हर हुक्म बिल्कुल ठीक है, किसी चीज में कोई नुक्स है ही नहीं। ये तो ये इंसान है ना जो कहते हैं कि नहीं ये इस चीज के अंदर ये नहीं सही, उसके अंदर वो नहीं सही, ये फैसले में हम समझते हैं कि ये सही नहीं है आज के लिए। मगर पूरी मखलूक देखे कह रही है हर फैसला राइट है, किस चीज में नक्स है ही नहीं। और इंसान तुम नक्स निकालते हो, फ्लॉज और कमियां निकालते हो, ऑब्जेक्शन करते हो, और इल्म सब रखते हैं, सब इसका मतलब एजुकेटेड है। अल्लाह ताला ने फरमा दी वो इल्म रखते हैं, सबके पास इल्म है, पहाड़ों के पास इल्म है, दरख्तों के पास इल्म है, कीड़ों के पास इल्म है, शहद की मक्खी के पास इल्म है, मिट्टी के जर्रों के पास इल्म है, एटम के पास भी इल्म है, वो भी उल्टा नहीं घूमना शुरू कर देती, एंटी क्लॉकवाइज ही उसके अंदर एक मोशन हो रहा है। सब इबादत के तरीके जानते हैं,
लेकिन अफसोस है इंसान के ऊपर, वो ही नहीं जानता मेरी सलात कैसी है, कैसे पढ़नी है मैंने, मेरी तस्बीह कैसी होनी चाहिए। बार दफा लोग कहते हैं फला इतना पढ़ा लिखा है, इतनी उसके पास फला जगह की डिग्री है, वो तो इतना एजुकेटेड, आपको क्या पता कितना क्वालिफाइड है ये PhD है, ये फला है, मगर अगर उसको ये नहीं पता कि मेरा बनाने वाला कौन, उसको ये नहीं पता कि मैंने उसकी तस्बीह कैसे करनी, उसको अपनी नमाज का नहीं पता, वो अपने रब को भुला बैठा है, उसको उसके आगे झुकने का पता नहीं है, तो वो सारी कायनात में सबसे ज्यादा जाहिल है, बेइल्म है। इसलिए कि रब ने फरमा दी ये तो सारे इल्म रखते हैं इस बात का, और इसको इतना भी इल्म नहीं जितना जानवरों को इल्म है, जितना परिंदों को इल्म है, जितना बेजान पत्थरों को इल्म है। हम उसको कैसे हाईली क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड कह सकते हैं जिसकी इतनी भी क्वालिफिकेशन नहीं, जितनी इनको है जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, क्या पढ़ा लिखा है फिर, और हम मुतासिर हुए हो के निढाल हो रहे होते हैं। अल्लाह, अगर आम जिंदगी में हमें ये नहीं इनकी तस्बीह सुनती ना, हमें लगता है ये खामोश है, तो ऐसा नहीं है, ये खामोश नहीं है, नमाजें और अपनी तस्बीहात कर रहे हैं। फिर या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान फिर तुझे किसने धोखे में डाल दिया अपने रब्बे करीम से, फिर तुम क्यों उसको उससे मुंह मोड़े हुए है, तू किधर जा रहा है, तुम ही पीछे रह गए, क्या तुम्हारे बस में नहीं था अपने मालिक की सिफात का इल्म हासिल करना, तुम्हारी अकल उसने किस काम के लिए दी थी, अभी तक तुम्हारे अगर शकूक को शुभात नहीं दूर हो रहे, गलत फहमियां नहीं दूर हो रही, अभी तक अगर तुम्हारे अंदर ये है कि ये नहीं सही और वो नहीं सही, पर इंदों के पास तो इतनी अकल नहीं थी, फिर भी देखो उन्होंने अपने रब को पहचान लिया, वो उसका एक एक इशारा जानते हैं, उसकी तरफ से दिया हुआ इल्हाम उन्होंने जान लिया और उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। और तुम्हारे पास तो अपनी भी अकल थी, वही का भी इल्म आया, सब कुछ हासिल करके भी तुम कितने जाहिल रहे, जबकि इंसान को अल्लाह ने सबसे ज्यादा अकल रखने वाली मखलूक बनाया। और भी देखें, कोई परिंदा नहीं भूलता, कोई मखलूक नहीं भूलती कि वो भूल ही जाए, ओहो मैंने तो तस्बीह करनी थी, ओहो मैंने तो अपनी नमाज पढ़नी थी, परिंदा भी खा भी रहा है, घोंसले भी बना रहा है, उड़ भी रहा है, फिर भी वो तस्बीह कर रहा है, सारी कायनात अपने काम भी कर रही है और तस्बीह भी कर रही। फिर देखे इंसान को क्या ये जेब देता है कि वो सबसे पीछे रह जाए, इसके बाद हमारी तस्वीर कितनी होनी चाहिए। हमने शायद की मक्खी के आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कैसे वो अल्लाह के रास्ते के अंदर निकलती है, उसको इल्हाम होते हैं, वो कैसे हाल में पढ़ लिया हुआ हमने ना कि कैसे वो जो शहद की मक्खी किस तरह अल्लाह के रास्तों पे चलती है, उसको अल्लाह ताला ने जिस तरह सिखाया हुआ है उस तरह करती है, इतनी सी मखलूक और इतना कुछ जानती है, और वल्लाहु अलीमुन बिमा यफालून, और अल्लाह जानता है जो भी वो कर चुके हैं कर रहे हैं। इंसान और जिन्नों को एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम्हें तो मैंने अपनी इबादत के लिए ही बनाया था, तुम भूल गए और देखो बाकी सब कैसे झुके हैं, तुम्हारा तो मकसद ही ये था और तुम इधर उधर कहां गुम हो गए। और इनकी हर तस्बीह को अल्लाह जानता है, जो कुछ वो कर रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं अल्लाह ताला के इल्म में। तो हम सब के लिए इसमें सबक है, जो नई नमाज पढ़ते ना उसका तरीका जानते हैं वो जाने, ताकि कम अज कम देखो अगर आप इस तरह से किसी को समझाएं, तो देखो सारी कायनात अपनी अपनी नमाज पढ़ रही, पहाड़ों की नमाज उनका साया है, कैसे कयाम में खड़े हुए, हर एक का साया उसका सजदा है, कोई कयाम में खड़ा हुआ है, फिर जो चौपाए खाना खाते हैं सर को झुकाते हैं, ये उनका रुकू है,
कोई किस तरह से नमाज पढ़ा है, जिस तरह से भी अल्लाह ने उसको सिखाया है, जरूरी नहीं कि हमारी तरह की नमाज सारे पढ़ रहे हैं, जैसा भी उसको तरीका सिखाया है, वो अपने अपने मुताबिक जिसके जो है वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते कि उनकी नमाजें कैसी और उनकी तस्बीहात किस तरह से वो कर रहे हैं, मगर जैसे भी सिखाई कर तो रहे हैं ना। तो इस तरह से बच्चों को और उनको सबको इस आयत के जरिए सिखाएं कि देखो नमाज फिर हम क्यों ना पढ़े। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।